हाई एवरी वन दिस इज़ वौनिका आज का टॉपिक है मीही दाना स्वीट डिश के बारे में जिसको बाहर एक्सपोर्ट किया गया है मीही दाना कहाँ की स्वीट डिश है ये सब हम डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टू क्या दो वी केन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूँ स्टडी आई क्यू पर स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जैसे वेस्ट बंगाल पीएससी हो गया जुडिशरी कोर्स एसएससी टीईटी जीके तो ये सब कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं अगर आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी डिटेल में कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं अब देखिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है पीयूष गोयल जी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक इनिशियल uh, कंसाइनमेंट uh, जो है जी टैट पहली बात मिहि धाना जो ये स्वीडिश है एक मिठाई है ये जी टैट है इसको जोग्रफिकल इंडिकेशन मिल रखा है ओरिजिनेटेड यानी किस प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है इसका वेस्ट बंगाल बर्धमान इसको एक्सपोर्ट किया गया है किंगडम ऑफ बारेन में कंसाइनमेंट इस बहुत ही आ, एक मिठाई है जो कि बहुत ही फेमस है मीठी है मीही दाना इसको पहले भी एक्सपोर्ट किया गया था पर्शियन गल्फ़ में जो कंट्री है वहाँ पे बाय ए पी ई डी ए पी ई डी ए क्या है आपका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी राइट right? अब देखिए अब न्यूज में ये है कि मिहि दाना को एक्सपोर्ट किया गया मिदाना क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए जीआई टैग किस जगह से इसके लिए उसको मिला है और कब कब एक्सपोर्ट हुआ कहाँ एक्सपोर्ट हुआ कौन सी एक्सपोर्ट अथॉरिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन सी हैं इसके आगे पीछे की खबर आपको सारी होनी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने भी ये ट्वीट किया पश्चिम बंगाल के जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग युक्त मिहिदाना का स्वाद बेहतरीन भारत की मिठास पहुंची बह, बहरेन ठीक है अब यहाँ पे बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है इस तरह की पहले भी बहुत सारी कंसाइनमेंट्स अगर आप देखेंगे आ, पहले हमने यूजुअली देखी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर जो आ, जो भी प्रोडक्ट्स थे वो बाहर गए काफ़ी सारे फ्रूट्स बाहर गए अब ये एक तरह की मिठाई है तो आने वाले समय में भी, भी ऐसी कंसाइनमेंट्स जो हैं बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी स्वीटिश uh, वाली जो कंसाइनमेंट्स uh, uh, हैं उनको और भी एक्सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि आपको पता है अभी एक तो दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे बहुत ज़्यादा मिठाइयों की डिमांड रहती है बहुत सारे इंडियंस बाहर बसे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है तो इस वजह से ये कंसाइनमेंट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट की गई और वैसे भी द इंडिया पोस्ट इन कलाबोरेशन विद ए पी ईडी इंडिया पोस्ट ने कलाबोरेट किया है किसके साथ ए पी ई डी ए के साथ रिसेंटली और स्पेशली डिजाइंड एनवलअप भी बनाए गए हैं टू मार्क द हिस्टोरिकल लिगेसी ऑफ कंट्रीज ओल्ड स्वीट डेलीकेसी एंड जी आई सर्टिफाइड जे नगर मोआ तो एक और तरह की मिठाई है एनवलप में अगर आप देखेंगे लिगेसी को माक करने के लिए ये पे ये मिठाई का आप कह सकते हैं जीआई सर्टिफाइड है उसकी लीए सी माफ़ करने के लिए इस तरह के एनवलप भी छपवाए गए हैं और इसको जो ये मोआ है जय नगरेर मोआ इसको पॉप्ड राइस बॉल से जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं पॉप्ड राइस बॉल से प्रिपेयर किया जाता है फ्रेश डेट खजूर जो होती है डेट पाम जागरी जो गुड़ होता है उसका उसको यूज़ किया जाता है वेस्ट बंगाल के जय नगर से है ये भी जीआई सर्टिफाइड है सो so, इस तरह की कंसाइनमेंट्स जो हैं वो काफ़ी फेमस है और इनकी बहुत सारी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में है तो so, आप देख सकते हैं कंसाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ़ यूनिक स्वीट डिशेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू बार इन बाई ए पी तो ए पी ने इस तरह की कंसाइनमेंट्स भी बाहर एक्सपोर्ट की हैं तो so, यहाँ पर अगर आप ये ए के द्वारा इनके द्वारा ट्वीट देखेंगे तो बोल रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की जो इंडिया की इंडिजीनियस चीज़ें हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं यूनिक स्वीट डिशेस हैं जैसे वेस्ट बंगाल से सीता भोग चंद्रपुली नरकेल नारू कोकोनट uh, लड्डू है ये विद जागरी इनको किंगडम ऑफ बहार इनको पहले ही जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट किया है ये फिफ्थ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात है अब इंडिया के ये एफ़र्ट्स जो हैं काफ़ी समय से चल रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के जिस तरह से मैंने आपको जयनगर मवा के बारे में बताया कि उसको एक्सपोर्ट किया गया अब मिही दाना हो गया सीताभोग हो गया और इंडिया पोस्ट ने भी कोलाबोरेट किया है तो ये सब एफ़र्ट्स किस तरफ जाते हैं आपके कि हम अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं अगर आप, आपके ऐसा uh, कोई सवाल रिटर्न में आता है मेंस में आता है कि बताइए क्या तरीका है अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट के सपोर्ट uh, को प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि ये एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी भी हो रहे हैं और इनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है जैसे वेस्ट बंगाल का बर्धमान गॉट द जी आई टैग फॉर द सेंचुरी ओल्ड स्वीट मीट्स इन 2017 तो 2017 में ही उसको जी आई टैग मिला था तो ये सऊदी अरेबिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं बहरेन यहाँ पे देखिए कतर है पर्शियन गल्फ़ की कंट्री है तो आप ये इसका मैप में देख सकते हैं अब, अब फिलहाल तो हम मिही दाना की बात कर रहे थे तो मिही दाना क्या है मिही दाना को डिस्क्राइब किया जाता है ये बूंदी लड्डू खाए अपने बूंदी जिसको बोलते हैं राइट तो ये कज़न इसको माना जाता है ट्रेडिशनल बूंदी का ये दो वर्ड से निकला है मिही, मिही का मतलब फाइन दाना का मतलब ग्रेन तो यानी फाइन ग्रेन मीही दाना इस डेज़र्ट को बनाया जाता है पाउडर्ड कामनी भूख से और फिर इसको पानी के साथ ब्लेंड किया जाता है हाथ के साथ जब तक कि इसका कलर लाइट नहीं हो जाता जब एक बार कलर लाइट हो गया ये जो पूरा मिक्सर है इसको ब्रास की लाडल यानी करछी हो गई जिसमें छोटे छोटे होल्स होंगे उससे पोर किया जाता है एक घड़े में उस घड़े में क्या रहता है घी रहता है और फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है फिर जो आपके फाइन फ्राइड स्मॉल राइस लाइक ग्रेन्स बन जाते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाएंगे दाने बन जाएंगे उनको शुगर सिरप में डिप किया जाता है और फिर उसमें सोख करके रखा जाता है इस तरीके से मीही दाना को प्रिपेयर किया जाता है अब ए पी ए डी ए के बारे में आप जाने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ए पी ई डी ए इसको इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड Products एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। इस बार भी आप देखिए साइंस एंड टेक्स से और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इस तरह के सवाल अगर आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आए थे बट यूजली मैं इन्वायरमेंट के लेक्चर्स लेती हूँ और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है उस पर भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं तो आपको समझ आया होगा कि कभी भी कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है तो उसके आगे पीछे की खबर आपको होनी चाहिए तो ए पी ए टी ए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है हेडकोटर्स इसके न्यू डेली में है फंक्शंस क्या हैं इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है स्कीड्यूल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स उनके प्रोडक्ट्स हो गए मीट प्रोडक्ट्स पोल्ट्री डेयरी प्रोडक्ट्स कन्फेक्शनरी जो मिठाइयाँ आ गई बिस्किट्स हो गए बेकरी प्रोडक्ट्स हनी गुड़ शुगर प्रोडक्ट्स कोकोआ प्रोडक्ट्स चॉकलेट्स अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, सीरियल सीरियल प्रोडक्ट्स ग्राउंड नट्स पी नट्स तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स पे इनकी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है सो so, ये जो डेवलपमेंट देखते हैं देख रेख करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो प्रोडक्ट्स शेड्यूल किए गए हैं उनकी डेवलपमेंट होती रहे अच्छे से क्वालिटी वाइज ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें राइट रजिस्ट्रेशन जो लोग होते हैं एज एक्सपोर्टर्स स्कड्यूल प्रोडक्ट्स की उनके स्टैंडर्ड्स सब ए ही फिक्स करता है कॉम्पोजिशन क्या है पी ए की एक तो इसमें चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर होता है जिसको ए अपॉइंट करता है सेक्रेटरी होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फिर बाकी ऑफिसर्स स्टाफ होते हैं जिनको अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अपॉइंट करती है जी टैग खैर हर बार ही हम इसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए उसको रजिस्टर किया जाता है उसके जी आई टैग किसी भी प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर और ओवर द ईयर्स वो इवॉल्व हुआ एक पर्टिकुलर एरिया से इसलिए उसको जोग्रफ़िकल टैग कहा जाता है वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जी आई टैग्स हैं अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनफैक्ट इंडिया का फर्स्ट जी आई टैग भी वेस्ट बंगाल से था दार्जिलिंग टी इसके वर्ड को लोगों को दोनों को ही टैग मिला है लक्ष्मण भोग मैंगो है खिरसापति मालडा फजली मैंगो इन सब पे कहीं ना कहीं मैंने वीडियोस बनाई हैं या तो एक्सपोर्ट हुए काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जी टैग मिला है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नाक्षी कांठा बंगाल डोकर आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं फूड स्टफ हो गए जॉय नगर मोआ बर्धमान सीता भोग बर्धमान मिदाना तभी अभी मिहिदाना की हमने बात की कि जी टैग मिला है और एक्सपोर्ट किया गया बांगला रोसगुल्ला अब यहाँ पे सवाल है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपीईडीए इट वॉज इस्टाब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये एक्ट का नाम दे रखा है और ये किससे डील करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ स्कड्यूल्ड प्रोडक्ट्स तो आप बताइए कौन सा सही बहुत ईजी है ये तो खैर बट दिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर लास्ट आप कॉमेंट uh, सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि अभी आपने लेक्चर पढ़ा इसलिए आपको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन बट नहीं पढ़ा होता देन वी गेट कन्फ्यूज कि भाई ए पी ईडीए क्या इसी एक्ट के अंदर हुआ था या नहीं हुआ था यू गेट कन्फ्यूज अबाउट द डेट्स एंड थिंग्स Uh, बाकी आप पी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा वहीं पर पोल होगा सो डू पार्टिसिपेट बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए मुझसे बाकी कोर्सेस के लिए स्पेशली आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर कॉल करके सारी जानकारी लीजिए थैंक यू सो मच